घेर बुलाई आ गई, तुझको बुलाया नहीं। इतना कहकर के मैया ने अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, जब तक मां है, जब तक मायका है, और जब मां नहीं होती तो मायके में वो शान नहीं होती, क्योंकि मां जैसा किसी का हृदय नहीं हो सकता। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थित, मां जैसा कोई नहीं है। इसलिए बंधुओं, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, वो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि यह जो दुनिया है, हेबन है कांटों का, तू फुलबारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज सती को हृदय से लगा लिया, आज बेटी का मुख चूम रही है। बेटी, तुझको बुलाया नहीं, मगर सब कुछ कुछ तूने देखा नहीं, और देख मेरे दरवाजे पर आ गई। मां समझ, शान बढ़ा दी तूने आज हमारी। पिताजी लाल लाल आंखें कर कर के देख रहे हैं कि देखो, सती को 15 बहनें चिढ़ा रही हैं। मां हृदय से लगा रही है, मां मां होती है, मां जैसा कोई नहीं। ओ दुख लागी है मातरी अखियां, मेरे लिए जागी तू सारी सारी रतियां। दुख लागी है मातरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। मेरी निलिया पे अपनी दिया भी तूने पारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज जो है पिताजी लाल लाल आंखें करके देख रहे हैं। सती ने देखा कि पिताजी, आज अपने पिता की ओर देखा, और पिता की ओर देख करके पिता का कितना मर्यादा करती है बेटी, मगर आज गजब कर दिया इस पिता ने भी कि बेटी आई है मगर उठकर के सम्मान नहीं कर पाया। तो इसलिए जो है आज भगवती को क्रोध भी आ रहा है अपने पिताजी पर। तो इसलिए जो है जैसे ही भगवती ने देखा तो भगवती को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया अपने पिताजी पर और कहा
तू कैसा पिता है, ये बताओ तूने मुझको बुलाया नहीं। सब दूर सती गई और सब दूर देखा, सभी देवताओं के आसर बने हुए हैं, केवल शंकर जी का आसर नहीं बना। तब बहुत क्रोधित हो गई भगवती और भगवती ने कहा तू कैसा मूर्ख पिता है, तुझको पता है कि मैं किसका परिवार त्याग करके आई हूं, मैं शंकर के परिवार का त्याग करके आई हूं तेरे पास, और तू खड़े होकर के सम्मान नहीं कर पाया, लाल लाल आंखें करके मुझको देख रहा है, तो मेरा तो मरना हो गया, मैं अपने पति के यहां जा नहीं सकती और तू मेरा सम्मान कर नहीं सकता। ताजी हो तो रत दे है ते हुए तू, इतना कह करके तजी हो तुरत देह तेही है तू, अब मेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ा, तूने कहीं का नहीं छोड़ा मुझको अपने पिता से कहा, अब मैं वहां जाऊंगी तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगी शंकर जी के पास, और यहां मेरा रुकना ठीक नहीं है, तुमने इतना बड़ा अपमान कर दिया है, मेरा किया तो ठीक मेरे पति का भी कर दिया, उसका कोई स्थान तुमने दिया नहीं, क्या समझते हो तुम उसको, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है भूत भावन भूतेश्वर महादेव। इतना कहकर के उर्धर चंद्र मौरी वृष केतु अपने उर्वारे हृदय में भूत भावन भूतेश्वर को रख करके, और भगवती ने इतना कहकर के अस कहियो गया गनी तनु जारा, अस कहियो गया गन तनु जारा, माया हो सकल माख पास गई और जाकर के बैठ गई, और बैठ कर की योग अग्नि के द्वारा अपने प्राणों को मूलाधार में खींचा है, मूलाधार से हृदय में लेकर के आई है, हृदय से कंठ में लेकर के आई भगवती, और कंठ में सहस्त्राक्त में लेकर के आई, और उसके बाद भगवती के शरीर में पूरे जो है अग्निमय हो गया। अस कही योग अग्नि तनु जा रहा, योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भगवती ने भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया सब दूर, नारद जी दौड़ करके गए भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से कहा कि सती ने प्राणों का विसर्जन कर दिया, शरीर को जला करके राख की ढेरी कर दी। भोलेनाथ ने कहा मैं समझ गया था, मगर उस दुष्ट को दक्ष को अब दंड देना बहुत अनिवार्य हो गया है। इतना कह करके भगवान शिव ने अपनी एक जटा को पटा करके पृथ्वी पर पटका है, और जैसे ही पृथ्वी पर पटका है बंधु वीरभद्र प्रकट हुए हाथ में त्रिशूल लेकर के, और कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, एक करोड़ भूत प्रेत की सेना लेकर के जो है वीरभद्र चले हैं, और जैसे ही यज्ञशाला के पास पहुंचे घबरा गया दक्ष देख करके कि अब बचने वाला नहीं हूं, भगवान शंकर रूपी काल की अग्नि मेरे पास आ रही है, और जैसे ही जाकर के बदगो वीरभद्र ने जैसे ही दक्ष को देखा और दूर से त्रिशूल फेंक करके जैसे ही मारा है, सर धड़ से अलग हो गया। भूत प्रेत जितने थे तब पंडित लोग बैठे थे, किसी की दाढ़ी किसी की मूछे छप पटा दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया।
सभी देवताओं में हाहाकार मच गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? बोले अब ऐसा करते हैं, भोलेनाथ को मनाना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। तो सब देवता मिलकर के भगवान शिव को मनाने के लिए गए। भगवान आशुतोष है ना, बहुत जल्दी माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं जागतम ब्रह्म वेद स्वरूपम यम निर्गुणम विकल्पम निरीहं यदाता स्वात्वासं भजेयं। ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः सभी देवता भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर के कैलाश पर पहुंचे हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए, आपका क्रोध बड़ा भयानक होता है, इसलिए प्रभु आशुतोष है। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे, शरण शरण की बाह गयो है उमा रवण प्रिय कांत हरे। मैं तो विरह व्यथित हूँ, दीन दुखी हूँ, दीन दयाल अनंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ भगवंत हरे। प्रभु मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। शिव पार्वती पति हर हर शंभो, पाही पाही दाता हरे। शिव पार्वती पति हर हर शंभो, पाही पाही दाता हरे। आज सभी कह रहे पाही पाही दाता हरे। सभी देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान। भगवान के सिर पर जो है बकरे का सिर लगाया, बकरा ये बम बम बोलने लगा दक्ष, और जितने ब्राह्मणों की दाढ़ी मूंछें इत्यादि पठाई थी सब ठीक हो गई। भगवान शिव आए हैं, जहां शिव नहीं होगा उसका उल्टा विष होता है। हम यज्ञ करें और कल्याण की शिव माने कल्याण होता है। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवः, जो कल्याण देने वाले हैं उनको शिव कहते हैं। और हमारी जब हम कोई कार्य करते हैं, हम ये इतना बड़ा हम सब मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं, इसमें सबकी एक ही भावना है और दूसरी कोई भावना नहीं। आगे हम 5-7 जने जो मित्रगण थे ना मेरे साथ,
जैसे सूर्यकांत नवल ये सब पढ़े हुए हैं, तो हम चार पांच जने तीर्थ जाते थे कि जब भी मूड हो न कहा चलो, लल्ला भैया जाते थे, कमलेश जी ये सब। जब परिवार वाले हो गए, बच्चे वाले, तो कह यार अब ऐसा करो बच्चों को भी तो ले जाना पड़ेगा, कब तक अकेले अकेले भगो है, और घर में भी थोड़ी तू तू मैं जरूर भाई होगी है। तो इसलिए फिर विचार किया कि सबको लेकर के चले। एक आध बार सब बार गए तो फिर वर बहनों ने कहा कि सबको चले ना अकेले, ऐसे कैसे भाग जाते हैं। तो एक थोड़ा रूप बनाया कि चलो अपन कथा करेंगे तीर्थों में जाकर, एक ऐसा रूपक बनाया। और एक बहुत छोटा सा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है, आज की डेट में 300 से ज्यादा लोग हैं आप सब मिलकर के यहाँ। तो इसलिए एक परिवार की भांति इसका उद्देश्य केवल जो है ना कि तीर्थों में जाकर के आनंद लेना भगवान की कथा का है। कई ऐसे हैं कि जो तीर्थ आए ही नहीं है, आ नहीं पाते, घर की ऐसी परिस्थिति होती है। तो इसलिए जो है दर्शन करें, एक साथ हम दर्शन करें, जितने प्रेमी मंडल हैं वो सब मिलकर के जब यहाँ बैठते हैं, हम लोग भी जब चर्चा करते हैं सब लोग, तो बहुत आनंद आता है। आप लोगों को सबको देख करके आनंद विभोर हो जाता है, क्योंकि ये कम सौभाग्य नहीं है कि हम सब बैठ करके यहाँ इतने बड़े रूप में और एक साथ जगन्नाथपुरी में भगवान की पावन कथा का गान कर रहे हैं। इसमें केवल लक्ष्य एक ही है कि भगवान की कथा का दिव्य आनंद लिया जाए। तो हम लोगों को जब जैसा लगता है कि यार यहाँ चलना चाहिए, और जैसे अरुण भाऊ साहब हैं, लल्ला भैया हैं, नेताजी हैं, इनको कभी भी बोलो तुम कि यहाँ चलना है, वो ये नहीं कहते कि नहीं 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 का तो सवाल ही नहीं है, आप बिल्कुल तुरंत चलो। तो इसलिए इस समर्पित भाव आप सबका रहा है। जबलपुर से भी बहुत भक्त हैं, इंदौर से भी पूरे परिवार जैसे लोग हैं सब, और सब एक जगह मिलकर के भगवान का ये प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं यहाँ बैठ करके, मुझको बहुत अच्छा लगता है, सेवा करने का आनंद सौभाग्य मिलता है। और पितृपक्ष में तो और विशेष हो जाता है, जैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हैं ना, तो स्वर्ग में अपने पूरे पितर इकट्ठे होकर के कह रहे होंगे ये तो गजब कर रहे भैया है, पूरी जगन्नाथपुरी इतनी घूम रहे हैं, सब दूर दर्शन कर रहे हैं, खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। इस प्रकार से बंधु को बहुत ही आनंद के साथ भगवान ने बड़ी कृपा की है। इसके बाद ध्रुव चरित्र हुआ है, 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया है, दिव्य तपस्या की है ध्रुव ने, आपके आप अपनी माँ के कहने पर किया है। ध्रुव जी जो है ना अपने पिताजी के इनकी माता का नाम सुनीति, विमाता का नाम सुरुचि, और जैसे पिताजी के मिलने के लिए गए तो विमाता ने कहा तपसाराध्य पुरुषम वै तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्वत्वं साधयात्मानं यदेच्छति नृपासनम्। अरे ध्रुव, तुमको अगर राजा की गोद में बैठना है तो जाओ, और जाने के बाद तपस्या करो, जंगल में तुमको भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिले तो उनसे ये वरदान मांगना कि तुम्हारा दूसरा जन्म मेरी कोख से हो, तब तुम राजा की गोदी में बैठ सकते। ये बात वो 5 वर्ष के बालक को लग गई, और जैसे ही घर गया तो मैया से कहा मैया मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। बालक रुका नहीं ध्रुव, मैया ने बहुत कोशिश की, मगर नारद जी आए, नारद जी ने समझाया कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी जंगल में बहुत तकलीफ होगी,
ध्रुव ने कहा प्राण क्यों ना निकल जाए, मगर मैं परमात्मा का ही भजन करूंगा, मैं परमात्मा को ही प्राप्त करूंगा। कि ऐसा करना यमुना के पुलिन छुआया बंधु, उसी समय बहुत आनंद के साथ जो है ध्रुव जी महाराज जैसे गाल में शंख का स्पर्श किया, सरस्वती नृत्य करती हुई जिह्वा पर बैठ गई। बड़ी सुंदर स्तुति की है ध्रुव जी महाराज ने। यौंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त सब चरणश्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले परमात्मा, आपने मेरी सोती हुई इंद्रियों को जगा दिया है। जीव कब जागता है? भगवान की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा ध्रुव, मैं वरदान देता हूं कि 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करोगे और इसके बाद तुम फिर आओगे, सशरीर मेरे यहां आओगे और ठीक वैकुंठ के सामने मैं तुम्हारा ध्रुवलोक बनवा दूंगा। किसी ने कहा महाराज, ठीक वैकुंठ के सामने ध्रुवलोक क्यों बनवाओगे? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जैसे मेरे भक्त मेरे स्नान करने के बाद मेरी मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो मैं भी गोलोक का, मैं भी वैकुंठ में स्नान करने के बाद भक्तों के दर्शन करने के लिए जाता हूं। भगवान कहते
तो घर के सामने ध्रुव जी का मंदिर बनवा लूंगा, तो रोज ध्रुव जी के दर्शन घर के सामने से ही कर लिया करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बंधुओं ध्रुव जी पर कृपा की है और बहुत सुंदर जो है ध्रुव का तो इतना प्रेम बताया है, भगवान की इतनी कृपा है बंधुओं। ध्रुव के परिवार में और भी भगवान ने दिव्य कृपाएं की हैं। बोलो वृंदा विपिन विहारी लाल की जय। ध्रुव आनंद विभोर रहते हैं हर समय, यहाँ पूरी नगरी को सजाया ध्रुव जी का, बड़ा दिव्य स्वागत किया गया माता पिता ने जब भगवान को प्राप्त कर लिया। जब कोई भगवान का हो जाता है तो सब उसका सम्मान करने लग जाते हैं, है केवल प्रभु की शरणागति हमको मिल जाए। कोई कहे गोविंदा हो, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बड़े प्रेम से ताली सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा हो, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुबज ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुबज ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुबजान नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुबजान नटवर। वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, अरे मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरज की आंखों का हो,
जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। आज की कथा बहुत लंबी है क्योंकि रसगुल्ले की कथा है भैया, और रसगुल्ला जब बनाए जाते तुमको पता है कितनी बारीकी और कितनी लंबा कार्य किया जाता है। जैसे अपन इंदौर से आए ना यहां तक इतनी लंबी यात्रा है अभी तो इसलिए ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव जी, ध्रुव याने होता है अटल, अटल माने सत्य, सत्य याने सनातन, जो कभी समाप्त नहीं होता है उसको ध्रुव कहते हैं। और पता है वो ध्रुव तारा कब दिखाया जाता है? देखो माताएं समझ गई, ध्रुव तारा कब दिखाया जाता है? अच्छा मैं तो समझा कि भदवरिया मैडम पूछने जा रही सर से कि क्यों बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। ध्रुव तारा कब दिखाया जाता है? जब विवाह होता है। भैया ये बताओ कि पंडित जी तो दक्षिणा लेकर के चले जाएंगे, बराती भोजन करके चले जाएंगे, घराती दहेज मिला वो निकल लेंगे, ये विवाह देखा किसने? तो इसलिए कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज 24 घंटा उत्तर दिशा में सदैव प्रकाशित रहते हैं, इसलिए ये विवाह ध्रुव ने देखा। इतना कहकर के पंडित जी वो जो उत्तर दिशा में चावल फेंक करके और हमको ध्रुव तारा दिखाते हैं। बोलो वृंदाविपिन बिहारी लाल। यहां से सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है और सप्तम स्कंद में प्रह्लाद चरित्र सुनाया है। सप्तम स्कंद का लक्षण है ऊती, ऊती ही कर्म वासना, इसमें कर्म की वासना बताई गई है। कर्म की वासना दो प्रकार की होती है, और वो जो प्रह्लाद में जो वासना है वो परमात्मा की, वो वासना नहीं उपासना बन जाती है जब परमात्मा से जुड़ती है हमारी वासना। और हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है जिसकी आंखों में केवल लोभ बसा हो, हिरण्य माने सोना बसा हो, बस पैसा चाहिए धन चाहिए, उसको हिरण्यकश्यप लोभ की वृत्ति को कहते हैं। तो हमारे जीवन में दोनों वृत्तियां आती हैं, एक दैव वृत्ति एक आसुरी वृत्ति। प्रह्लाद जी में दैव वृत्ति आई है, वो भगवान को कभी नहीं छोड़ते, और हिरण्यकश्यप में आसुरी वृत्ति बताई। ये दोनों वासना के बीच की टकरार है, इसमें जो भगवान का भक्त होता है वो जीत जाता है। बोलो जगन्नाथ स्वामी जय। इसलिए हिरण्यकश्यप ने जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा ना, मैंने दूसरे दिन की कथा में आपको समझाया, भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मारा
तो हिरण्याक्ष की मैया जो दीती थी उसने छाती पीट करके रोने लगी। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, मैया घबराने की भाई बात नहीं है, मैं नारायण को मारूंगा। वो नारायण को मारूंगा तो क्या, बोले तपस्या करना पड़ेगा मुझको। तो ये मंद्राचल पर्वत पर गया और मंद्राचल पर्वत पर जाकर के इसने भयंकर तपस्या की। साते पे मंदराद्राणाम तपः परम दारुणम। दारुण तप किया है बंधु इसने, खड़े होकर के अंगूठे के बल खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके दृष्टि को ऊपर करके बोले विष्णु को मारना है, शंकर का भरोसा नहीं, इसलिए किसका भजन करना चाहिए तो ब्रह्मा जी का भजन किया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। भगवान इसके सिर से इतना धुआं निकला पूरी पृथ्वी पर भरा गया तो ब्रह्मा जी घबरा करके गए हैं और जाकर के कहा, हिरण्यकश्यप के शरीर में झुरमुट लग गई। तुरंत कमंडलू का जल लेकर के जैसे ही ब्रह्मा ने मारा तो शरीर स्वर्ण के शरीर वाला हो गया। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। इसने कहा, मुझको कोई, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन ऐसा नहीं हो सकता, मृत्यु जन्म बताम वीरो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुमको मरना तो पड़ेगा। तो बोल इसने बात घुमा दी। ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा ये वरदान नहीं दे सकते तो दूसरा दीजिए। बोले कौन सा? बोले मैं आकाश में ना मारा जाऊं, पाताल में ना मारा जाऊं, ना आजू मारा जाऊं, ना बाजू मारा जाऊं, ना अस्त्र से मारा जाऊं, ना शस्त्र से मारा जाऊं, ना मनुष्य से मारा जाऊं, है ना देवताओं से मारा जाऊं, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से ना मारा जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, बस। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे ही इसने ऐसा किया बंधुओं, एक गदा लेकर के भगवान के वैकुंठ धाम को गया। भगवान नहीं मिले। लक्ष्मी ने कहा, भगवान तो सब दूर हैं, इसका बालक है, जब तक जो है इसकी पत्नी का नाम कयाधु है, ये तपस्या कर रहा था, ये गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा, इतना बड़ा राक्षस ही दुनिया को परेशान कर रहा है हिरण्यकश्यप, और ये गर्भवती और है कयाधु, इसके बालक से, इसके कोख से भी कोई राक्षस ही जन्म लेगा, इसलिए इंद्र मारने के लिए ले जा रहा था कयाधु को। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, इंद्र क्या कर रहे हो? बोले महाराज, इसको मार देते क्योंकि इसके गर्भ में भी तो वही राक्षस होगा कोई ना कोई, तो बोले अभी से उसको समाप्त कर दो। तो नारद जी ने बहुत इंद्र को डांटा कि मूर्ख, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और तेरे में गर्भवती है और तुझको पता है, तू कैसे मन से कह रहा है कि इसके हृदय या इसके कोख में जो होगा वो राक्षस होगा? अरे पागल, इसके हृदय में, इसके गर्भ में एक बालक होगा जो भगवान का महान भक्त होगा, इसलिए जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने देवर्षि के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझे पता नहीं था, ये आप ले जाइए अपने आश्रम पर, वहीं रखे। तो कयाधु नारद जी के आश्रम पर उसी सत्र में रही और रोज भागवत कथा सुनाते थे नारद जी महाराज, इसलिए गर्भ का बालक भक्त हुआ भगवान। इसलिए माताएं जब गर्भवती रहती हैं तब भगवान के चरित्रों को अधिक सुनना चाहिए। भगवान के चरित्र हम सुनेंगे तो गर्भ का बालक दिव्य होगा। इसलिए बालक जो हुआ है ध्रुव नारद जी के आश्रम में भगवान का बड़ा भक्त है, तो इसलिए जब पढ़ाने के लिए जब भेजा गया ध्रुव जी महाराज को, प्रहलाद जी को, आसुरी विद्या पढ़ा रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या का जानकार है, नारद जी ने आगे ही इसको ब्रह्म विद्या पढ़ा रखा। संड मरकनार के गुरुदेव शुक्राचार्य के जो बेटे हैं वो इसको पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है, मगर ये तो भगवान के भक्त हैं प्रहलाद। बोले ये बताओ, संसार का नियंता कौन है? अपनी पट्टी में लिखो, सबने लिखा हिरण्यकश्यप, केवल एक प्रहलाद थे, उनने लिखा भगवान नारायण। गुरुजी ने कहा, ये किसकी पट्टी है? प्रहलाद ने कहा, मेरी। बोले गुरुजी, आप उल्टी शिक्षा दे रहे, आसुरी शिक्षा मत दीजिए। गुरुओं ने कहा, तू तो स्वयं मरेगा और हमको भी मरवाएगा,
इसलिए जो है एक बार क्या हुआ, प्रहलाद जी महाराज सब जैसे गुरुदेव दोपहर की छुट्टी में भोजन करने के लिए गए, उसी समय प्रहलाद ने सबको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद पूछा कि ये बताओ 100 में से 50 गए तो कितने बचे। बोले एक गणित में पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी उत्तर देना। 100 में से 50 गए तो कितने बचे? सबने कहा, ये तो बच्चों ने कहा, ये तो बड़ी सरल बात है, 100 में से अगर 50 गए तो केवल 50 बचे। बोले 50 में से 20 और निकाल दो तो फिर कितने बचे? ये भी सरल बात है, 50 में से 20 निकालोगे 30 बचोगे, फिर 30 में से फिर 20 निकाल दो तो बोले केवल 10 बचेंगे 30 में से 20। बोले तेरे गणित समझ में नहीं आया प्रहलाद, क्या है इसका अर्थ तो समझाओ। तब प्रहलाद जी ने समझाया कि कलयुग में केवल ज्यादा से ज्यादा अगर आयु होगी तो 7 वर्ष होगी, 100 वर्ष। 100 वर्ष में से रातें अलग निकाल दो, दोपहरी के तो बाद में गिनेंगे, दोपहरी में सोते हम हैं, रातों ही को केवल सोते हो तो 50 वर्ष निकल गए, केवल 50 वर्ष से, तो 50 में से मेरे 30 वर्ष तक ये क्या पढ़ेगा लिखेगा, भगवान का भजन करेगा। अभी पढ़ने लिखने का समय है इसका, अरे बुजुर्ग भजन करते हैं, जबकि नियम यह है कि बच्चे जब बाल काल हो तब भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए उसको, हैं? इसलिए जो है वो जो है 20 वर्ष उसमें निकाल दो, अब बचे 30, तो 100 वर्ष की अवस्था में 80 के बाद 90 और 100 कोई काम का नहीं रहता, आदमी क्या करेगा, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, है कुछ खाया नहीं जा रहा है, मुंह में दांत नहीं है, तो क्या करेगा वो बताओ। जब जवान रहा जब कुछ नहीं कर पाया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया, और मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तो तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया। इसलिए बंधुओं जब शरीर में हाथ पांव दम नहीं रहेगी तो कहां चल पाओगे तुम यहां इतनी गर्मी में, बताइए। अभी अभी हम लोग चलते हैं उसमें परेशानी होती है, तो जब वृद्ध हो जाएंगे तब कैसी स्थिति होगी। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है और मस्त है तब तक पूरे तीर्थ कर लो, तब तक सब कुछ करने के बाद बुढ़ापे पर कुछ नहीं करना, केवल भजन करना। सब कुछ घूम लिया, तुम्हारा मन स्वयं कह देगा अब हमको कुछ नहीं करना चाहिए। कौमार कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो। इसलिए कौमार अवस्था से छोटे हो तब से भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सब अपने मित्रों को ज्ञान दिया और कहा कीर्तन करो। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण रट मन्नारायण सबसे कीर्तन करा रहे हैं, जिसमें आसुरी असुरों के बालक थे बच्चे थे, सबसे कीर्तन करा रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण
इतना भयंकर शोरगुल हो गया कि गुरुजी बिल्कुल भोजन कर ही रहे थे, और जैसे ही पता लगा तो दौड़ करके थाली सरका करके भागे कि क्या हो गया। आकर के देखा तो सब मस्ती के साथ कीर्तन कर रहे। अरे रोको 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 मूर्खों, क्या कर रहे हो? ये हिरण्यकश्यप का विद्यालय। प्रहलाद को डांटा, अरे मूर्ख तू मरेगा, हमको भी मरवाएगा। उसी समय हिरण्यकश्यप आ गया और प्रहलाद को, प्रहलाद ने चरणों में प्रणाम किया अपने पिताजी के। पिताजी ने छोटे बालक होने के कारण गोद में उठा लिया, और जैसे ही गोद में उठा करके पूछा कि बताओ बेटा तुमने क्या पढ़ाई की प्रहलाद, तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी सार सार बताऊं कि पूरी पढ़ाई बता दूं? हैं? पिताजी ने कहा बेटा अपने पास इतना समय नहीं कि पूरी पढ़ाई सुनते रहे, तुम तो सार सार वाली बात करो। तब नवधा भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने कि पिताजी नौ प्रकार की भक्ति होती, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्मनिवेदनम। पिताजी नौ प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना चाहिए भगवान की। ये प्रथम भक्ति है, कथा सुनना सबसे श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। गोपियां भी यही कहती कि आपकी, आपसे ज्यादा आपकी कथा श्रेष्ठ है। इसलिए कीर्तनम, पर भगवान की कथा को सुनो तो भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। पर स्मरणम, मन में स्मरण परमात्मा का होना चाहिए। पाद सेवनम, भगवान की पूजा इत्यादि करना चाहिए। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना चाहिए। वंदनम, भगवान की वंदना करना चाहिए। दास्य सक्षमात्मनिवेदनम, भगवान के दास बन जाना चाहिए। सक्षमात्मनिवेदनम, भगवान हमारी सखाएं, ये भाव भी बहुत सुंदर है। और आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना कि प्रभु आपके सिवा हमारा कुछ नहीं है। ऐसी नौ प्रकार की भक्ति बताई है। हिरण्यकश्यप ने कहा यह भक्ति किसकी करना चाहिए? बोले नारायण भगवान की। जैसे ही इतना कहा तो पृथ्वी पर पटक दिया, हाथ पकड़ करके घर ले गया। गुरुओं ने कहा ये परमात्मा भगवान श्री नारायण का नाम नहीं छोड़ रहा है, तो हाथ पकड़ के ले गया अपनी सिंहासन पर, उसको बिठाया ध्रुव प्रहलाद को, और कहा सबसे बड़े बेटे को देना चाहिए राजा राज्य देना चाहिए। मैं तुझको सबसे छोटा है, मैं तुझको राजा बनाता हूं, मगर तू नारायण भगवान का नाम छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा ऐसे हो नहीं सकता। तुरंत जो है आसन के नीचे उतर करके आ गए। पिताजी आपको ही शोभित लगती है, मैं नहीं कर सकता, परमात्मा का नाम नहीं छोड़ सकता। जैसे ही इतना कहा बंधुओं, उसी समय जो है तुरंत मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा दिग्गज दंश शोकश्य अभिचाराभिपात नहीं। जैसे तलवार निकाल ली सबके सामने मारने के लिए, मंत्रियों ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे हो, अगर तुम मार दोगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि एक पिताजी ने अपने बालक का उजान से मार डाला, इसलिए ऐसा मत करो, दूसरा उपाय कर लेंगे इसका मारने के। आपातकालीन मीटिंग हुई मंत्रियों के साथ। मंत्रियों ने कहा हाथी को मदरा पिलाओ, और मदरा पिला करके और हाथी को छोड़ देंगे जहां ये पूजा करने के लिए जाता है। सामने हिरण्यकश्यप का मंदिर बना है, वहां सालग्राम की बटैया रख रखी है प्रहलाद जी ने, वहां जाकर के सालग्राम की बटैया की सेवा करते हैं। जब प्रातःकालीन ये जाएगा तो हाथी को छोड़ देंगे, हाथी सूंड में पछा करके इसको पांव के नीचे कुचल देगा, हम लोगों से कहेंगे पागल हो गया हाथी। ऐसा ही हुआ, रात भर मदिरा पिलाई, प्रातःकालीन 4 बजे प्रहलाद जी जब उठे और उठकर के बंधुओं जैसे ही जाने लगे भगवान की सेवा करने के लिए, उसी समय वो पागल हाथी को छोड़ दिया। और जैसे ही हाथी को छोड़ा
और जैसे प्रहलाद ने देखा तो गणेश जी का ध्यान किया, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और जैसे ही देखा कि गणेश जी आज पूरा दिन मंगलमय होगा, और जैसे ही जय हो गजानन गणपति महाराज की, और जैसे ही इतना कहा हाथी आया सूंड में लपेटा और अपनी पीठ पर हाथी ने बिठा लिया। उनकी पीठ पर हाथी के पीठ पर बैठ करके बहुत आनंद के साथ प्रहलाद प्रसन्न हो गए हैं और बहुत आनंद के साथ गा रहे हैं, मारा कीर्तन में रस बरसावो बरसावो आओ जी गजानन आओ, मारे कीर्तन में रस बरसावो बरसावो आओ जी गजानन आओ, मारा कीर्तन में रस बरसावो आओ जी गजानन आओ, मारे कीर्तन में रस ताली बजाते हुए हाथ उठा करके बहुत प्रेम से आओ जी गजानन आओ, बड़े प्रेम से गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन मंत्रियों ने कहा क्यों मार डाला होगा हाथी ने भाई। किसी ने कहा देखो, मंत्रियों ने देखा तो वो तो कीर्तन कर रहा है हाथी पे बैठा हुआ। मंत्रियों ने कहा क्यों कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। बोले क्या, बोले इसको नकली दारू तो नहीं पिला दी हाथी है, ऐसे ही लग रहा है। देखो उसको तो कुछ नशा नहीं हुआ, ये तो बढ़िया आराम से बैठा है प्रहलाद और कीर्तन कर रहा है। किसी ने कहा महाराज उसने भस्म कर लिया, बड़ा जादूगर है प्रहलाद। मंत्रियों ने कहा नहीं ऐसे नहीं मरेगा, दूसरी चाल चलो। क्या दिग्गजई दंच सूकस्य, बड़े बड़े सांप मंगाओ और सांप मंगा करके एक कमरे में रख लो, विषैले सर्प रहेंगे उसी कमरे में, हम धक्का दे देंगे प्रहलाद को, सांप डस लेंगे प्राणांत हो जाएंगे। अजगर मंगाओ निगल जाएंगे, सांप को माया मंगाया गया। चलो प्रहलाद तुमको शंकर जी के दर्शन करते कराते हैं। और जैसे ही प्रहलाद को ले गए और जाकर के कहा कि चलो दर्शन कराते हैं, उसी समय बंधुओं जैसे प्रहलाद गए, बड़े भोरे भारे हैं, भक्त जो होता है बड़ा भोला होता है, बड़ा विश्वास करता है, चलो शंकर जी के, अरे कितनी अच्छी बात है चलो। और जैसे ही गए गेट को खोला और प्रहलाद को धक्का दे दिया, और जैसे ही प्रहलाद अंदर गया तो बड़े बड़े सर्प फन कर करके प्रहलाद की ओर जैसे झपटे हैं, प्रहलाद भगवान का ध्यान करने लगे तो सांप आए प्रहलाद के शरीर में लिपट गए, मगर प्रहलाद को काटा नहीं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जैसे चंदन से लिपट जाते हैं उसी प्रकार से प्रहलाद से लिपट गए वधू।
किसी ने कहा दो दिन हो गए अब तो डसरिया होगा, चलो अपन चलते हैं। और जाकर के जैसे ही गेट खोला बंधुओं, प्रहलाद जी निकल करके आए तो एकदम शंकर जी की तरह लग रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। अरे किसी ने कहा भैया इसने तो बताओ जहरीले सर्पों को भी वश में कर लिया इसने। एक कोई वश में नहीं करते प्रहलाद जी महाराज तो केवल भगवान का। अभी चारा अभी पात नहीं ही, बोले जादूगर को बुलाओ मूठ मरवा देंगे। जादूगर को बुला करके मूठ मरवाई, उसी के मूर पर वो मूठ फूट गई जो जादूगर था, वो उसके प्राणांत हो गए। पर्वत से पटका गया प्रहलाद, मगर बंधुओं प्रहलाद मरा नहीं। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन आई होलिका नाम। अरे मैं मार डालूंगी भैया, आप चिंता क्यों करते हो, 10-20 गाड़ी लकड़ी इकट्ठी कर लो, उसको जलाओगे, मेरे पास एक चुनरी है, मैं उड़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के जाऊंगी, अग्नि में वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, मेरी चुनरी में कुछ नहीं होता। और जैसे ही प्रहलाद को गोदी में लेकर के उस विशाल अग्नि में जैसे ही जाने लगी है, उसी समय होलिका, उसी समय एक वायु का झोंका आया, और ऐसा झोंका आया कि उसकी चुनरी उड़ करके प्रहलाद से लिपट गई, और होलिका जल करके राख की ढेरी हो गई, और प्रहलाद जी बच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसके बाद जो है प्रहलाद को बहुत दर्द दिया गया। जैसे ही पर्वत से प्रहलाद को जाकर के समुद्र में फेंका है, और जैसे ही फेंका बंद, वो उसी समय भगवान ने अपने गोदी में प्रहलाद को ले लिया। और जैसे ही प्रहलाद को ले लिया है, प्रहलाद ने भगवान को देखा, प्रभु क्या कर रहे हो? प्रभु ने कहा बस समय नजदीक आ गया है, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूं तेरे पास, घबराना नहीं। इसके बाद जो है जब एक किसी भी तरीके से नहीं मरा, तब जो है हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज मेरे हाथ से ही इसकी मृत्यु लिखी है, तो तलवार लेकर के गया और बोला तेरे भगवान को, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा कि मैं जिधर देखता हूँ सब में मेरा परमात्मा नजर आता है, एक स्तंभ में एक खम्भ में भी मेरा प्रभु मुझको नजर आता है। और जैसे ही इतना कहा, हिरण्यकश्यप ने खड़ग निकाल करके और जैसे ही उसमें मारा है, स्तंभ में से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान। बड़ा भयंकर आधा नर आधा सिंह का अवतार प्रभु का। उसी समय हिरण्यकश्यप को पकड़ करके घसीटते ले गए भगवान। दरवाजे की दहली पर जाकर के भगवान ने कहा कि देख, तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, न दिन को मारा जाऊं न रात्रि को मारा जाऊं, ये संधि काल का समय है, न अस्त्र से मारा जाऊं न शस्त्र से मारा जाऊं, मेरे पास मेरे नाखून है कुछ नहीं है, न मनुष्य से मारा जाऊं न देवताओं से मारा जाऊं, तो मैं आधा नर और आधा पशु हूं। इतना कहकर के भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया है। बोलो जगन्नाथ स्वामी। हिरण्यकश्यप कि प्राणांत हो गए बंधुओं। भगवान इतने क्रोधित हुए, भयंकर क्रोध भगवान को। उसी समय जब प्रहलाद को भगवान ने देखा, आज प्रभु ने गजब कर दिया। ये भागवत का यही तो आनंद है, भगवान ने जैसे प्रहलाद को देखा, भगवान का एक नाम, आज तक ये नाम नहीं पढ़ाता, आज ये नाम भक्तवत्सल। भक्तवत्सल का अर्थ क्या होता है? भक्तवत्सल का अर्थ होता है कि जैसे गैया और गैया का बछड़ा होता है ना, तो बछड़ा जब जन्म लेता है तो देखो गैया भूसा खाती है, घास खाती है, पवित्र चीज खाती है, गंदी चीज नहीं खाती कभी, मगर बछड़े से इतना प्रेम करती है वो कि प्रेम के कारण उसकी गंदगी पूरी चाट लेती है वो। इसलिए जैसे प्रहलाद को देखा तो नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे हैं, इसलिए भगवान का एक नाम भक्तवत्सल पड़ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आज भगवान से दुनिया क्षमा मांगता है, मगर आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे कि प्रहलाद मुझको क्षमा कर देना, लेट हो गया मैं आने। आज तक इतिहास में इतनी कम उम्र में इतनी दारुण यातना किसी को नहीं दी गई जितनी तुमको दी गई प्रहलाद, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ओइदं बपुः क्वच वयः सुकुमार मे तत्
क्वैता प्रभत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोचितं विषमपि तमतत्पूर्वं क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः। भगवान अंगमाने पुत्र होता है, अंगमाने मित्र होता है। हे पुत्रो, मैं क्षमा चाहता हूं आगे में आने में अगर मैं विलंब हो गया हो मुझको, तो आज भगवान अपने भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं। हैं, बोलो वृंदाविपिन बिहारी लाल की। इस प्रकार से बंधु को प्रह्लाद पर कृपा की है। बहुत आनंद से भगवान ने आज प्रह्लाद को दर्शन दिए हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया था कि ये बताओ, भक्तों पर तो भगवान कृपा करते हैं, असुरों पर कृपा करते हैं। बोले हाँ, तो प्रह्लाद चरित्र बताया कि देखो ये असुर था प्रह्लाद, मगर भगवान ने दिव्य कृपा की। यहाँ परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि ये बताओ, भगवान पशुओं पर भी कृपा करते हैं। बोले दिव्य कृपा करते हैं भगवान। 84 लाख योनि में कोई ऐसा जीव नहीं है, आगे जीव भोजन करता है, फिर मेरे ठाकुर जगन्नाथ प्रभु भोजन करते हैं। आगे सबको खिला देते हैं, फिर प्रभु भोजन करते हैं। इसलिए ऐसी कोई कथा हो जिस पर भगवान ने पशुओं पर पशु पर कृपा की हो, तो वो सुनाइए। यहाँ भगवान शुकाचार्य कहते, आसीद गिरिवरो राजस राजन त्रिकूटो इतु विस्तृता शीरो देनामृता श्रीमान योजना युतमूर्छिता। क्षीर सागर में एक पर्वत है, त्रिकूट इसका नाम है, तीन शिखर है, बीच में झील है, उसमें जल भरा हुआ है और बड़ा सुंदर सरोवर है, बड़े सुंदर कमल खिले हैं। देवताओं की स्त्रियां यहाँ स्नान करने के लिए आती हैं। इसी जंगल में एक मतवाला हाथी का परिवार रहता है। आज हाथी अपनी परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ जल विहार करने के लिए आया, और जैसे ही जल को पिया, और जल में हाथी बहुत स्नान करने का शौकीन होता है हाथी, और जैसे ही जल में घुसा है तो ग्राही ने पहर पकड़ लिया, और जैसे ही ग्राही ने पहर पकड़ा तो भागवत ने कहा है कि बहुत बरसों तक दोनों का युद्ध हुआ। अब चूंकि ग्राही माने मगर जल का जीव है, इसलिए हाथी जीत नहीं पा रहा है। पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था ये हाथी, इसलिए भगवान की स्मृति आ गई इसको, और जैसे ही भगवान की स्मृति आई तो बंधुओं एक कमल बह रहा था, इसने कमल को उठा करके भगवान का ध्यान किया, और जैसे ही भगवान का ध्यान किया है बंधुओं, उसी समय बहुत आनंद से भगवान, जैसे ही हाथी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रसन्न हो गए। नमो नमस्ते खिल कारणायो निष्कारणायाद्भुत कारणायो सर्वागमं नाय महार्णवायो नमोपवर्गाय परायणा। जैसे ही स्तुति की है बंधुओं, उसी समय भगवान से नहीं रहा गया। भगवान गहरी निद्रा में सोए थे, मगर आज जो है, आज पुकारा है हाथी ने, एक भक्त ने, तिल भर सोडे रही जले ऊपर, तिल भर सोडे रही जले ऊपर, भजमन नारायण नारायण नारायण।
जैसे ही भगवान ने अचानक जाग गए और जाग करके भगवान उसी अवस्था में भागे हैं। हाथ पकड़ कमला कहता, आज लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में, कोई स्वप्न तो नहीं देख लिया तुमने। हाथ पकड़ कमला कहता, कहाँ जात ब्रजराज। हाँ तो कमला ने सुनी ही सुनी गजरा। इतनी देर में भगवान हाँ और थी कहते, इसके बीच का जो समय लगता है, भगवान इतनी देर में हाथी के पास पहुंच गए। भगवान बोलो जगन्नाथ स्वामी गज की तेरे सुनी यदो नंदन, 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 करुण छोड़ पागल आकर के भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के और तुरंत जो है ग्रह का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही बंधु जो है सिर धड़ से अलग किया, उस ग्रह में से एक पुरुष निकला है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथी में से भी एक पुरुष निकला है। जैसे ही भगवान ने हाथी का स्पर्श किया तो हाथी का शरीर छोड़ करके दोनों में से एक एक पुरुष निकल करके भगवान के पास आए। भगवान ने कहा तुम कौन हो? हाथी कहने लगा महाराज मैं इंद्रदुग नाम का राजा था। एक बार मेरे गुरुजी अगस्त जी आए, मैं बैठा रहा, मैंने प्रणाम नहीं किया, गुरुजी ने श्राप दे दिया कि बताओ गुरुजी आए हो खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, जा हाथी बन गया, इसलिए मैं हाथी बन गया। ग्राह से पूछा तुम कौन हो? इसने कहा महाराज मैं भी गंधर्व हूं। एक बार मेरे गुरुजी देवल स्नान कर रहे थे, मैंने उनसे मजाक कर ली, माता पिता गुरु से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, मैंने जल में डूबा साधा और गुरुजी की टांग पकड़ के खींच दिया जल में से। गुरुजी घबरा गए कि मगर ने पकड़ लिया, और जैसे ही घबरा गए तो गुरुजी ने जैसे ही मैं बड़े जोर से हंसने लगा, गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने कहा मंगर की तरह ग्रह की तरह पैर पकड़ता जा, ग्रह बन जा। मैं ग्रह बन गया, मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई। हाथी ने भी कहा मुझसे गलती हो गई, मनो मात पिता प्रभु गुरु की वाणी ये दिव्य कृपा करती है, इसलिए जो है आज गुरुजी की कृपा भी श्राप भी वरदान बन गया है हमारे। गुरुजी ने कहा ठीक है हाथी बनोगे तुम भी ग्राह बनोगे, मगर भगवान उद्धार करेंगे तुम्हारा। आज भगवान ने उद्धार किया है। बोलो राधा रमण सरकार की जय हो। इसके बाद जो है परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज मैंने सुना है कि एक बार समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन की कथा सुनाओ। भगवान शुकाचार्य कहते एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया, और देवराज इंद्र को जब अभिमान हुआ, एरावत हाथी पर इंद्र की सवारी निकल रही थी, इंद्र बैठा हुआ था, दुर्वासा जी आए तो गले की माला उतार करके दुर्वासा जी ने और इंद्र को दी, और इंद्र ने सोचा कि देखो ये बाबा की गले की माला मैं उतरी थोरू पहनू, मेरे यहाँ तो पारिजात की पुष्प है उनकी माला मैं धारण करता हूँ। जैसे ही अभिमान आया और गुरुजी की उस माला का अपमान किया, एरावत हाथी को दे दी। एरावत हाथी ने सूंड में पसा करके पांव से कुचल दिया। गुरु समझ गए इसको अभिमान आ गया, दुर्वासा जी ने जो है श्राप दे दिया, तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा।
और जैसे ही बंधुओं ऐसा हुआ उसी समय राक्षसों को पता लग गया, राक्षसों ने चढ़ाई कर दी। और बंधुओं जब चढ़ाई कर दी तो सभी देवता हार गए, राक्षसों से कंदराओं में छिप गए। और जब कंदराओं में छिपे सब ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर के आकर के भगवान की स्तुति की। भगवान ने आकर के कहा कि ऐसा कहो, अहम भवो यूथ मथो सुरादयो मनुष्य त्रियक ध्रुव धर्म जातयः। ब्रह्मा जी उसी समय ब्रह्मा जी सबको समझाते हैं भगवान की कृपा से, हे देवताओं तुम देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करो। देवताओं से कहा तुमको दैत्यों को साथ में लेना पड़ेगा, तुम अकेले शक्तिशाली नहीं हो, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली दैत्य हैं, साथ में लेना पड़ेगा। और समुद्र मंथन करो, और जब समुद्र मंथन करोगे उसमें से जो अमृत निकलेगा मैं तुमको पुला दूंगा, तो सदैव के लिए झंझट खत्म हो जाएगी तुम्हारे हारने की, हर समय जीतोगे। किसके पास जाएं? बोले इस समय राजा बलि है, बलि के पास जाओ। सभी देवता मिलकर के बलि के पास गए। बोले भैया बलि, बोले देखो अपन एक पिता की संतानें हैं, इसलिए लड़ाई नहीं करना चाहिए हमको, फिर क्या करें? बोले समुद्र मंथन करते हैं समुद्र। बलि ने कहा ठीक है, आधा आधा अमृत बटाल लेंगे। बोले ठीक। और जैसे ही बंधु समुद्र उसी समय वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग को लोभ दिया कि तू रस्सी बन जा, तेरे को अमृत मिलेगा। मंदरा चल पर्वत के पास गए कि तू मथानी बन जा, तुझको भी अमृत मिलेगा। इस सब लोभ के कारण मथानी रस्सी बन गए। एक और दैत्य लग गए, एक और देवता लग गए, मंथन प्रारंभ हुआ। और सबने सोचा था कि सबसे पहले अमृत निकलेगा, मगर सबसे पहले बंधुओं जो है सबसे पहले उसमें से विष निकला है। विष क्यों निकला? बोले इसलिए कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, जब कोई अच्छा कर्म करोगे तो परेशानियां बहुत आती हैं, मगर जब परेशानियों को तुम पार कर जाओगे तो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बंधुओं चरामेति चरामेति प्रचला महा निरंतरम, हर समय हमको चलना चाहिए, संकल्पित होकर के पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए किसी एक बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि गम हमारे साथ बहुत दूर तक गए, दुख दर्द दरिद्रता परेशानियां, दुख दर्द हमारे साथ बहुत दूर तक गए, मगर जब हमें न पाई थकान तो खुद थक गए। तो इसलिए जो है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, जैसे ही ये निकला है। आज शिवजी को नहीं बुलाया है, सब देवताओं को बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया, इसलिए विष निकला है। अब किसको देना चाहिए? बोले ऐसा करते हैं भगवान शंकर को देते हैं। भगवान शंकर को दिया गया। भगवान शंकर ने कहा चलो कहीं तो तुमने मेरा मान रखा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन प्राहिना शरणापन्ना तौ लोकस्य दहना विशा। हे महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा है, जीवन दाता है, हम लोगों को भी जीवन प्रदान कर कीजिए। क्या हो गया ये हलाहल विष हमको जला रहा है? भगवान ने कहा मुझको दे दो। भोलेनाथ ने लिया है, करतली बनाई है, और करतली बना करके भगवान भोलेनाथ पीने लगे। और जैसे ही पीने लगे आगे रा कहा, भोलेनाथ को ध्यान आ गया कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, मेरे राम बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनको तकलीफ ना हो जाए, इसलिए आगे रा कहा और विष पीने लगे हैं। भगवान शुकाचार्य कहते ततः कल तरी कृत्य व्यापी हालाहल विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। उसी समय भगवान ने करतली करके आगे राह कहा,
बाद में माँ कहा और आगे रा कह करके पूरे जहर को पिया और पीने के बाद माँ कह दिया। और जैसे ही माँ कहा तो वो जहर कंठ में रुक गया, भगवान का कंठ नीला पड़ गया, भगवान का एक नम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव। इसलिए बंधुओं जीवन में मान के साथ सब पीना चाहिए। आज सब ने मना करके भगवान को ये विष दिया है और संसार के कल्याण के लिए जो विष भी पीता है विष भी उसके लिए अमृत बन जाता है, मगर कल्याण के लिए मान सहित विष पीके शंभु भय जगदीश बिना माने अमृत पियो राहु कटायो सी। इसलिए बंधुओं बहुत आनंद के साथ भगवान ने उस विष को पिया है। फिर जो है गाय निकली है कामधेनु, बोले अब ऐसा करो ऋषि महात्माओं को दान कर लो फिर आगे का काम होगा। गैया निकल आई, गैया ऋषियों को दान की है, उच्च श्रवा। घोड़ा निकला है बलि ने ले लिया, इरावत हाथी निकला है, इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली है भगवान ने गले में धारण कर ली है, कल्प वृक्षा वृक्ष निकला स्वर्ग में पहुंचा दिया, रंभा आदि अप्सराएं निकली हैं स्वर्ग में पहुंचा दी, आठवें रत्न में ऐसा रत्न निकला बंधुओ सारी दुनिया जिसके सामने नतमस्तक हो जाती है। कौन या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती राज राजेश्वरी माँ अम्बा दो सफेद हाथी जिनका अभिषेक कर रहे हैं, ऐसी भगवती राज राजेश्वरी माँ अम्बा लक्ष्मी प्रकट हुई। बोलो लक्ष्मी महारानी। सबने कहा हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। उसी समय लक्ष्मी के हाथ में बंधु वो माला दे दी, और वो जिसके गले में जो डाल ये माला डाल देगी वो ही उसका वर होगा। सबको देखते देखते जो है भगवती लक्ष्मी ने, क्योंकि लक्ष्मी तो लक्ष्मी का एक ही पति है नारायण, बस दूसरे का कोई वर्ण है। आदमी के पास एकाध दो लाख रुपया हो गया तो बोले ये तो लक्ष्मी पति है। इतने जल्दी पति बनता है आदमी, पुत्र नहीं बनना चाहता। इसलिए काल करोड़ पति भी हो जाओ तो तुम लक्ष्मी पुत्र ही माने जाओगे। पति तो केवल एक है, केवल भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के गले में माला लाड दी। इसलिए इससे दूर रहना कभी जीवन में ये नहीं आना चाहिए हमारे। अब की बार अगली बार आयुर्वेद के प्रवर्तक धर्मंत्री जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। सभी देवताओं ने कहा हम लेंगे। बड़ा भयंकर युद्ध हो गया, राक्षसों ने कलश को सुला करके भाग गए। पीछे देवता लगे हैं, अरे भैया बेईमानी कर रहे हैं वो मनो राक्षस, किसी की सुनने वाले नहीं। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। कन्हैया जैसी लीलाएं कोई नहीं कर सकता बंधु को, मैंने बताया था उस दिन कि भगवान वैसे ही सुंदर लगते हैं, मगर आज मोहिनी का रूप बनाया है भगवान ने। और राक्षसों के बीच में भगवान गए, सबने मदिरा पिए हुए थे, और लक्ष्मी जैसे मोहिनी भगवान को देखा तो सब आकर्षित हो गए। अरे देवी जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, हैं? भगवान ने कहा मैं आपके ही पास आई हूं। बोले बताइए क्या काम है। बोले आप घड़े, आपने जो घड़ा ले लिया है उसमें अमृत भरा हुआ है, आप बैठ जाओ लाइन से मैं पिला देती हूँ। सबने कहा ठीक है आप पिला दीजिए। घड़ा दे दिया मोहिनी भगवान को, देवता भी आ गए। देवताओं से कहा एक लाइन तुम बना लो, और जैसे ही देवता और दैत्यों की लाइन बनी भगवान ने ढक्कन को खोल करके बलि से कहा खड़े हो जाओ। बलि ने सोचा मुझको ही अमृत मिल रहा है सबसे पहले। बलि से कहा बलि ऊपर पतला पतला है, कोई भरोसा नहीं कि तुम अमर भय की जब है, नीचे मनो गाढ़ा होगा तो उसमें तो तुम अमर ही हो जाओगे। तो ऐसा करो तुम कहो तो पतला पतला देवताओं को पिला दे। भगवान मोहिनी तो ठहरे और ये पिए हुए थे, इनने कहा पिलाओ तुम तो पतला पतला, हम तो आइसक्रीम या से खाएंगे।
तो इसलिए भगवान तो भगवान है, भगवान ने सभी देवताओं को लाइन से पिलाने लगे। इसमें से एक राहु नाम की ने जरा कंपी थी, तो वो समझ गया कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, और जैसे ही सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा है बंधुओं, उसी समय जैसे ही भगवान ने चंद्रमा को सूर्य को पिलाया, चंद्रमा की ओर देखा, चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि महाराज ये राक्षस है। भगवान ने चंद्रमा को पिला करके पूरा घड़ा का घड़ा चंद्रमा को देकर के सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, मगर वो अमर हो गया, राहु और केतु के रूप में परिवर्तन हो गया, जो आज नमक ग्रहों में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे ये तो विष्णु है, ये तो देवताओं का पक्षधर है, इसने मोहिनी रूप बना करके हमको छल लिया है। शुक्राचार्य आ गए उसी समय, और जैसे ही शुक्राचार्य आए, बड़ा भयंकर दोनों में युद्ध हुआ, मगर गुरु कृपा से दैत्यों में कोई फर्क नहीं पड़ा, उतने ही बलवान रहे। फिर से देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग के अधिकारी देवता बन गए, राक्षस बन गए। गुरु कृपा इतनी पावरफुल होती है जीवन में बंधु। शुक्राचार्य ने ऐसी कृपा की, शुक्राचार्य की कृपा से दैत्य फिर से वैकुंठ के जो है स्वर्ग के अधिकारी हो गए। अब की बार सभी देवता कंदराओं में छुपे हुए हैं, देवता राक्षसों के कारण इतना दुराचार मचा हुआ है पृथ्वी पर, तो देवताओं की मैया से नहीं रहा गया, अदिति से। तो अदिति मैया अपने पति कश्यप के पास गई और जाकर के आंखों में अश्रु भर करके कहा कि मेरे बच्चे भटक रहे हैं जंगलों में, बताइए मैं कौन सा व्रत उपवास करूं जिसके कारण मेरे पुत्र शक्तिशाली होकर के दैत्यों को परास्त करें और स्वर्ग के अधिकारी बने। आगे कश्यप जी ने समझाया, देवी ये क्या कर रही हो, ये तो संसार है, कभी ऊंचा कभी नीचा होता रहता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, तो कभी सतोगुण आता है, अभी तमोगुण ऊपर चल रहा है, मगर मानी नहीं। तब जो है कश्यप जी ने पयोव्रत बताया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एकम से ये व्रत प्रारंभ होता है, पुत्र की कामना से जो भी माँ इस व्रत को करेगी उसको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए जो है फाल्गुन मास की द्वादशी तक यह व्रत चलता है। इसमें जो है ना सुअर जो मिट्टी खोदता है उस मिट्टी को ला करके ठाकुर जी की मूर्ति बना करके और चावलों की खीर बना करके भगवान का भोग लगाए और उसी खीर को खाए, इसको पयोव्रत कहते हैं। और भगवान का ध्यान करे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय सांक्षिणे। इसमें सुअर की जो मिट्टी है ना, वो गांव वाले सुअर की मत ले आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। जंगल में जो सुअर होते हैं और जो जंगली सुअर जो मिट्टी खोदता है, नहीं तो एक भाई ले आई कल ले पंडित जी हम ले आए, हमने कही कही हमारे घर के पीछे बहुत सुअर है, तो वो वाली नहीं, जंगल में जो जंगली सुअर होता है मिट्टी को खोदता है वो लेकर के आए, उसकी मिट्टी की मूर्ति बना करके ठाकुर जी का ध्यान करें। और अदिति ने यही किया और एकादशी का व्रत करके जो फाल्गुन का पयो व्रत किया है, भगवान ने कृपा की है और अदिति को जो है अदिति ने ये व्रत किया है, बड़े आनंद के विधि के साथ किया है, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और जो है बड़े आनंद के साथ भगवान ने जो वरदान दिया था अदिति को, समय आ पे पर भगवान भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यान काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान बावन के रूप में प्रकट हुए। बोलो बावन भगवान की जय हो। आज जो है जब सभी ने देखा तो भगवान बावन भगवान को देख करके सब आनंद विभोर हो गए, सभी देवता स्तुति करने लगे, सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, आकाश ने धुंधवी नाम के बाजे बनने लगे, जय हो होने लगा, सभी देवताओं ने स्तुति की है। तम बटुम बावनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारथामासो
पुरस्कृत्य प्रजापतिम। सभी ने जो है भगवान की स्तुति की है, दान किया है सबने। सूर्य ने कान में गायत्री मंत्र बोला, बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया, कश्यप ने मेखला दी, भूमि ने मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने डंडा दिया, अदिति ने कौपीन, आकाश ने छाता दिया, कमंडलु ने, ब्रह्मा जी ने कमंडलु दिया, अंबिका मैया ने भिक्षा का पात्र दिया, और जो है नर्मदा के उत्तरखंड की ओर भिगदुक्ष में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं बलि।